हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आइए, आज के सेशन में हम लोग क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, इबारती प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको दोनों संख्या बताना है जो कौन कौन सी संख्या होगी। तो आइए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सवाल को आगे बढ़ाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो चीज़ माना पूछा जाए उसको पहले मानिए। जैसे हमसे पूछा क्या जा रहा, संख्याएँ ज्ञात कीजिए, हमारा प्रश्न है संख्याएँ ज्ञात कीजिए। संख्याएँ माने दो संख्या, जैसा कि चर्चा भी है दो संख्या। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को मानते हैं, उसके बाद सवाल को पढ़ के आगे कंडीशन के अनुसार काम करते हैं। तो हमने पहले मान लिया, माना दो प्राकृतिक संख्या में से छोटी संख्या x है तथा बड़ी संख्या y। अब छोटी बड़ी इसलिए हमने चर्चा किया क्योंकि सवाल में इस तरह की चर्चा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, इसलिए छोटा बड़ा आपको भी मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। अब आइए सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो आप चुपचाप इस स्टेटमेंट को उतार दीजिए। बहुत बच्चे घबराते हैं कि कैसे समीकरण बनेगा, कुछ कोई घबराहट नहीं है। जो सवाल कह रहा है चुपचाप आँख मूंद करके उतारना शुरू करिए। मैं देखिए लिख रहा हूँ, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। अब यही थोड़ा सा ध्यान देना है, जो लास्ट में 45 है, ये दो चीज़ है, तो है को पहले बराबर लिखते हैं, 45 को बाद में लिखते हैं। तो है को बराबर में शामिल कर लेंगे और कितना है 45 है, 45 को बाद में लिख देंगे। अब आइए, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमको बराबर के बाएं क्या लिखना है, अंतर लिखना है। किस किस चीज़ का अंतर लिखना है, दो चीज़ों का अंतर। और किसका किसका अंतर, जो दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर, ध्यान दीजिए वर्गों का अंतर। तो वर्ग बना लिया जाए दोनों पर, क्योंकि वर्ग का अंतर से अंतर माने घटाना होता है और दोनों का। अब यहाँ x लिखें कि y लिखें, आप खुद समझ रहे होंगे कि x यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, हमको घटाना है। तो हमारा छोटा x है तो छोटे को घटाएंगे, और बड़ा y है, y में से x को घटा देंगे। तो एक समीकरण देखिए हमारा तुरंत बन गया। क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 45। हमेशा हम लोग दो समीकरण बनाते हैं, पहले शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब फिर हम सवाल को उसके आगे पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़े हैं अब उसके आगे पढ़ना, अब वहाँ तक नहीं पढ़ना। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग। तो मैं पुनः लिख रहा हूँ द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त अब यहाँ शुरू हो रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। तो क्या द्वितीय शर्त है, पूरा चुपचाप लिखते चलिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, अब देखिए 4 गुना है, तो 4 गुना है को ही हम लोग बराबर, है नहीं लिखते हैं, है से पहले हम लोग बराबर की बात करते हैं। छोटी संख्या का वर्ग और किसका 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या ये कंप्लीट, यहाँ तक बड़ी संख्या से 4 गुना है, और यही हम इक्वल साइन लगाएंगे। देखिए इक्वल साइन हमारा यहाँ लगेगा, इसको मैं यहाँ ठीक ढंग से लिख दे रहा हूँ। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। चाहे बड़ी संख्या से 4 गुना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये गुना है को हम लोग लिखते नहीं है। अब वो है कहाँ आएगा, बराबर में जाएगा। अब कैसे जानेंगे, हमको यहाँ बराबर लिखना है, चूंकि सवाल ऐसा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग करेंगे वो बड़ी संख्या से 4 गुना होगा।
तो अब छोटी संख्या क्या हमारी x है, इसका वर्ग कर दीजिए क्योंकि वर्ग चर्चा है तो वर्ग करेंगे, बराबर का चिन्ह। अब क्या चर्चा है, बड़ी संख्या तो हम y लिखेंगे, या चार गुना माने चार का गुणा। सब लोग समझ रहे होंगे कि बड़ी संख्या हमने लिख दिया और कितने का गुना, गुना माने गुणा होता है, तो चार का गुना, चार गुना तो हमने चार से गुणा कर दिया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4y। तो देखिए बड़ी इजीली हमने दो समीकरण बना लिया। जब समीकरण बनाना ही मेहनत होता, उसके बाद सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती, सवाल तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब दो समीकरण बन जाते हैं तो दोनों को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक समीकरण से मान दूसरे में भरते हैं। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, 8 में 9 में आपने समीकरण सॉल्व करना सीखा है, 10 में भी सीखा है। ये जो दो समीकरण बने तो यहाँ से मान इसमें भरें या यहाँ से मान इसमें भरें, ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आसानी से आपको उपलब्ध है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें दो ही आइटम है, यहाँ 3 आइटम है, तो यहाँ से मान निकाल के इसमें भरना आसान है। तो लिखेंगे समीकरण दो से मान, समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर, तो मान भर दिया जाए, जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ 4y यहाँ लिखेंगे, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 45। अब इस तरह से हमको एक द्विघात समीकरण, चूंकि हम लोग सब हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। जो हम लोग 2-3 प्रश्नावली जो सॉल्व किए हैं उसी तरह का एक समीकरण मिल जाता है। देखिए मिल गया वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 45, या इसको ऐसे लिख दिया जाए 45 को बाएँ कर दें तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले कुछ रफ कार्य करते हैं, 45 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे जिसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, 3 से कटेगा ये, 15 या 45, फिर 3 5 15, तो हमको मिला 3 × 3 × 5। चलिए तो हमको घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 45 आना चाहिए। तो अभी जो प्राइम फैक्टर आते हैं इसकी दो ग्रुपिंग बनाते हैं और बीच में माइनस साइन लिखते हैं। कैसे जान रहे हैं माइनस, अंतिम संख्या से पहले जो चिन्ह होता है वही हम यहाँ लगा देते हैं। अंतिम संख्या 45 है, 45 से पहले माइनस चिन्ह है, तो हमको माइनस की सेटिंग करनी है। अब इसको दो ग्रुप बनाना है, तो मैं इन दोनों को एक साथ देके 9 लिख देता हूँ, 3 × 3 = 9, और 5 अकेला बच गया 5 लिख देता हूँ, 9 में से 5 घटाऊँगा तो 4 आ जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या घटाने पर आनी चाहिए, अगर ये बीच वाली संख्या घटाने पर आ जाती है 4, तो हमारा फैक्टर मेथड सही है और फैक्टर इसका हो गया। आसानी से इसको हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। तो अब यहाँ 4 के स्थान पर यही मैं लिखूँगा 9 - 5, यही तरीका होता लगाने का। तो जहाँ 4 है वहाँ 9 - 5, बाकी सबको उतारना है चुपचाप, सबको उतारते चलिए। हमने वाई स्क्वायर माइनस उतार दिया, केवल 4 को हमने बदल दिया क्योंकि 4 के स्थान पर अब 9 - 5 लिखना है, तो 4 के स्थान पर 9 - 5, वाई है तो वाई, -45 है तो -45। अब इसके बाद वाई को हम अंदर गुणा करते हैं, तो वाई इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -45। जब ये वैल्यू अंदर गुणा हो जाती है तो अगले स्टेप में हम इस कोष्टक को तोड़ते हैं। तो जब भी कोष्टक को तोड़ते हैं तो ध्यान देते हैं कोष्टक से पहले कौन सा चिन्ह, अगर माइनस है तो सावधान हो जाइए, या प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि यह माइनस चिन्ह है इसमें सावधान हो जाना। सावधान क्या होना है कि अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस चिन्ह चिन्ह को बदल देता है। इस चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोष्टक से बाहर है, तो 45 पर कोई असर नहीं होगा, केवल कोष्टक के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग दो दो को एक साथ देते हैं, यहाँ दोनों में y दिख रहा है तो y कामन लेंगे, तो y माइनस 9 होगा। अब जब यहाँ से हमने y माइनस 9 अंदर बचा, y कामन ले लिया, तो ये चीज़ बिना सोचे समझे यहाँ लिख देते हैं, लिखने के बाद सोचते हैं कि अब दोनों में क्या कामन होगा। तो आप देखा दोनों में क्या कामन होगा,
तो ये लिखने के बाद सब कुछ आसानी से पता चल जाए। देखिए हम वाई को छोड़ना है इसलिए पाँच का मन होगा, क्योंकि वाई अंदर है, वाई यहाँ चाहिए, इसका मतलब पाँच निकालना है। चिन्ह कौन सा लिया जाए, जो ऊपर दिखता वही चिन्ह लिख देते हैं। फिर अगले स्टेप में पूरे कोष्टक को कामन लेते हैं, तो पूरा कोष्टक कामन लेंगे, तो यहाँ से कोष्टक से पहले वाई बचा और यहाँ कोष्टक से पहले प्लस पाँच बचा, तो ये दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ से वाई, यहाँ से प्लस पाँच इक्वल टू जीरो। उसके बाद लाइन खींचते हैं, लाइन खींच करके लिखते हैं जब वेन वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, और इस साइड में दूसरे कोष्टक को वेन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 मिली और यहाँ से y की वैल्यू माइनस फाइव मिली। यहाँ तुरंत अमान्य कर देंगे, इसलिए अमान्य कर देंगे क्योंकि ऋण पाँच प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऋणात्मक अवयव, तो ये हमारा अमान्य हो गया। क्योंकि रीजन दे दीजिए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऋण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है, ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए तो y का मान 9 हमको सही मिला। अब y का मान जो 9 निकल गया, इसको हम लोग पुटअप करेंगे चाहे समीकरण एक में चाहे दो में। दो में भरना आसानी से मान निकलेगा क्योंकि उसमें कम आइटम है, एक में तीन आइटम है। तो y का मान, इसको लिखने का तरीका y इंप्लाइड इक्वेशन टू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि y का मान समीकरण दो में रखने पर। तो हमारा समीकरण दो क्या था, x स्क्वायर बराबर फोर वाई था। क्या था, x स्क्वायर बराबर फोर वाई। तो यहाँ y के स्थान पर मैं भर दे रहा हूँ नौ, y के स्थान पर भर दिया जाए नौ, तो x बराबर हो गया कड़ी में चार बुढ़े नौ, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे इधर कड़ी आएगी। तो x की वैल्यू होगी चार का वर्गमूल दो, नौ का वर्गमूल तीन, एक्स की वैल्यू आ गई छः। तो एक्स का मान, एक्स वाई का मान ही हम लोग निकालते हैं, तो एक्स वाई का मान निकल गया। अब इसके बाद हम लोग उत्तर की जांच करेंगे, जब सब मान निकल जाता है तो उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर, ये उत्तर हमारा सही है या गलत है। एक्चुअली इसको अब रफ कार्य करेंगे, लेकिन उत्तर की जांच करने के बाद आंसर हम लोग लिखते हैं, आंसर तुरंत नहीं लिखते, पहले रफ, ये सब रफ का काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हम जो किए हैं वो सही है गलत है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो भी दो समीकरण आपको मिले हैं, एक समीकरण मिला है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 45 और दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये मान भरते हैं छः और ये आया वाई का मान और एक्स का मान, इसमें भरेंगे देखा 45 आ रहा नहीं आ रहा, तो y के साथ में क्या भर दिया जाए 9, 9 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 81 माइनस 36 घटाने 45 आना चाहिए, तो आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। दूसरे में भी भर सकते हैं, दूसरा x स्क्वायर बराबर 4y, तो दोनों साइड में मान भरेंगे, यहाँ 6 का वर्ग और यहाँ 4 गुणे 9, तो ये भी 36 हुआ और ये भी 4 नवा 36 हुआ, इसका मतलब दोनों समीकरण हमारे आंसर को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हम लिख देंगे अतः छोटी संख्या 6 तथा बड़ी संख्या 9 होगी, छोटी संख्या 6 तथा बड़ी संख्या 9 होगी, ये आप आंसर लिखेंगे। आइए एक एक्सरसाइज 4.5 का हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सवाल कह रहा है संख्या 7 के दो क्रमागत गुणज के वर्गों का योग 637 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हमने आपको बताया कि जो सवाल कहता है उसको चुपचाप हम लोग लिख लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है, 7 के दो क्रमागत गुणज के वर्गों का योग, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, 7 के दो क्रमागत गुणज के वर्गों का योग कितना है, तो ये 637 है दिया हुआ है।
तो है को हम बराबर में ले आते हैं और जो संख्या है उसको उधर भेज देते हैं। तो 7 के 2 क्रमागत गुणज के वर्गों योग, अब इसको गणित के फार में तो योग हमारे बीच में धन का चिन्ह लिख दिया जाए, वर्ग करना है, दो चीज़ों के वर्गों को जोड़ना है, 637 आएगा। और किसको जोड़ना है, 7 का गुणज, तो 7 में किसी न किसी राशि का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और क्रमागत गुणज लेना है तो अगर कोई पहला गुणज x हो तो अगला गुणज x प्लस 1 होगा, तो हमको ऐसे बनाना है। यहाँ छोटा कोष्टक अंदर हो गया इसलिए बाहर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। तो हमारा सब जो है तैयार हो गया, जो भी हमें बनाना था वो सब हमने फिट कर दिया। अब 7 का 2 क्रम से आने वाला गुणज, जब भी किसी राशि का गुणज निकालते हैं तो उसमें किसी न किसी राशि का गुणा करते हैं, क्रमागत लेना है। इसलिए आपको हमने लिखवाया भी है कि अगर क्रमागत की बात करते हैं तो देखिए अगला क्या होगा, x प्लस 1 गुणा कर देंगे। इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ मान लिया जाए कि माना 7 के 2 क्रमागत गुणज। अब मान क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि जो चीज निकालना हो पहले उसको मानते हैं। क्या निकालना है, गुणज ज्ञात कीजिए, तो गुणज को मानना है। तो माना 7 के 2 क्रमागत गुणज, क्रमागत गुणज 7x होगा तथा 7x+1 होगा। ये दो चीज़ें हैं, जब गुणज मानेंगे तो गुणा के रूप में 2 आइटम आना चाहिए। चलिए तो एक 7x हो गया, 7x हमने यहाँ लिख दिया और दूसरा 7x+1 हो गया यहाँ। इसके वर्ग किया, वर्ग को जोड़ दिया, जोड़ के 637। ये प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि 7 के 2 क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 637 है। अब इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो देखिए 7 का वर्ग 49 होगा और x का वर्ग होगा। यहाँ भी 7 का वर्ग 49 होगा और यहाँ x+1 दोनों पर वर्ग आएगा क्योंकि ये ज्वाइंट है, दोनों पर वर्ग बराबर 637। देख लिया जाए 49 से कटेगा क्या, 49 से 13 से अगर इसको काटा जाए तो 13 × 117 को 7 हासिल किया, 13 × 54 = 63। देखिए ये 13 से 49 से भी कटेगा, 49 से भी कटेगा और 49 से भी कटेगा। तो मैं लिख दूंगा 49 से दोनों पक्षों में भाग दें, और 49 से दोनों पक्षों में भाग देंगे, ऐसा हम लोग छोटी कक्षाओं में करते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ तो सवाल हमारा आसान हो जाएगा। तो 49 से कम 49 कट गया, 49 से कम 49 13 भाग में तो मिल गया हमको x² + x + 1² = 13। सवाल हमारा बहुत छोटा हो गया। इसके बाद आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। ये तो x² अकेला है, यहाँ देखिए ये धन बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है a² + b² + 2 * a * b। ये x है, b1 है, = 13। तो ये 2x² हो गया, x² 2x² ये +1 का वर्ग बना होगा। आइए 2 में का गुणा करेंगे, 2x है इसके साथ, 13 को भी मैं इधर कर ले रहा हूँ तो -13 उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सारी चीज़ बाएँ होती है, दाएँ शून्य होता है, और लिखने का क्रम होता है पहले 2 पावर को लिखते हैं, फिर 1 पावर को लिखते हैं, 2x को लिखेंगे, फिर संख्याओं को लिखते हैं। तो 1 और 13 मिलकर -12 हो गया, = 0। देखिए 2 से भी कटेगा, तो काट दिया जाए 2 से, यहाँ x² हो गया, ये x हो गया, ये 2 × 12 हो गया, तो ये बन गया हमको। इसके बाद यहाँ चलते हैं, अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, खंड करेंगे, 6 का खंड करेंगे, 2 × 3 = 6। खंड आप लोग कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप खंड करके निकालेंगे तो क्या आएगा, x - 3x + 3x - 2, ऐसे खंड बनेगा। यहाँ लिख देंगे 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है, तो ऐसे सेटिंग मिलेगी, यानी आपको आंसर मिल जाएगा। अब लिख देंगे वेन x + 3 = 0, दिस इम्प्लाइज x = -3, वेन
x minus 2 is equal to 0, this implies x is equal to 2. तो देखिए हमको दो वैल्यू मिली, एक minus 3, एक plus 2. चलिए minus 3 मिली plus 2, यहाँ minus 3 को भी हम accept करेंगे, लेकिन वो negative में जाएगा. सबसे पहले मैं दो पर बात कर रहा हूँ, दो को ही consider किया जाए कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, अब उत्तर की हम जांच करने जा रहे हैं. अब देखिए सात के दो गुणज क्या आएंगे, अगर हम दो को आंसर में शामिल करें तो एक होगा सात एक्स था पहला और दूसरा था सात एक्स प्लस वन. तो एक सात गुणे दो यानी चौदह आना चाहिए, आए पंद्रह ये तीन बनेगा, सात तरीके इक्कीस आना चाहिए, यानी आंसर हमारा आएगा चौदह और इक्कीस. अब देख लिया जाए इनका वर्ग करने पर, यानी इक्कीस का वर्ग करें चौदह का वर्ग करें, क्या 637 आ रहा है? अगर आ रहा है उत्तर को सही मानेंगे. 21 का वर्ग 441 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, जोड़ के देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि आ रहा है, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 637 आएगा, इसका मतलब सही है. अब दूसरी बात करें माइनस तीन वाली वैल्यू, तो अगर माइनस तीन लेते हैं तो एक होगा 7 इंटू माइनस 3, तो माइनस 21 आएगा, एक होगा 7 इंटू माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि प्लस वन करेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन जोड़ने पर जब माइनस थ्री प्लस वन करेंगे तो माइनस टू होगा, ये माइनस 14 होगा. तो आप देख रहे हैं कि ये भी उत्तर में शामिल होगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस लिखेंगे इसका वर्ग करेंगे, माइनस लिखेंगे इसका वर्ग करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, वही मिल जाएगी, प्लस मिल जाएगी, इसलिए दोनों चीज़ उत्तर में शामिल होगा. तो हमारे आंसर में ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी हम कहेंगे या तो 21-14 होगा, 14-21 आंसर, या माइनस 14 माइनस 21 दोनों सही है, ये या ये, या बीच में लगा देंगे, या तो प्लस प्लस वैल्यू लेंगे या तो माइनस माइनस वैल्यू लेंगे. तो इसको अब नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. सबसे पहला काम होता है मानने वाला, कितनी संख्या माननी है? तीन संख्या, क्योंकि संख्याएं शब्द लिखा है और तीन दिया भी है, मान लेंगे. माना तीन, जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट तीन क्रमागत, फिर लिखेंगे प्राकृत, जो किताब का स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग. माना तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं, संख्याएं क्या क्या हैं? यक्स मानते हैं, फिर यक्स प्लस वन, सारी कहानी आपको हम बता दिए हैं. जब क्रमागत की चर्चा होती है तो एक ही कट करेंगे, इसमें कट करेंगे तो ये मिला, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये दो हो जाएगा, एक एक जोड़ते हैं. और जब विषम सम की चर्चा होती है तो दो जोड़ते हैं, तो यहाँ सम विषम की चर्चा नहीं है, सादा है, तो ये हैं. अब इसके बाद सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं. कह रहा है तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो बराबर के बाद 149 लिख देंगे, है आ गया, इसमें 149 का काम हमने कर दिया. क्या लिखना है? प्रश्नानुसार लिख दिया जाए पहले, प्रश्नानुसार तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, पूरा स्टेटमेंट हमने उतार दिया, अपने तरफ से हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल में लिखा है उसी को उतार दिया. अब ऊपर तीनों संख्या हमने लिखा है और ध्यान दीजिए तीनों संख्याओं के वर्गों, सब पर ध्यान देना, वर्गों तो वर्ग करना हमको, तीनों पर वर्ग करना है, वर्ग करके योग, योग माने जोड़ना है, और कितना आना चाहिए? 149 आना चाहिए. मैं मान लिख देता हूँ यहाँ x होगा, यहाँ x प्लस वन होगा, यहाँ x प्लस टू होगा, इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, फिर तो खाली x स्क्वायर होगा, अकेला है, यहाँ ए धन बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए धन बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू इज इक्वल टू 149. देखिए एक्स स्क्वायर एक बार, दो बार, तीन के थ्री टाइम एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से वन ए यहाँ पर है और बाकी तो वन कहीं है नहीं, तो वन को अकेला लिख दिया जाए, वन का स्क्वायर बना होगा, यहाँ से टू एक्स और यहाँ से फोर एक्स, दो दूना चार एक्स, तो चार एक्स और दो एक्स मिल के छः एक्स, चार छः, अभी यहाँ दो का वर्ग चार होगा,
49 को भी मैं बाएं कर दूं, -149 इज इक्वल टू 0। फिर द्विघात समीकरण को लिखने का क्रम है कि पहले दो पावर को सबसे पहले, फिर एक पावर को उसके बगल में, और फिर जितनी भी संख्याएं होती हैं सबसे किनारे। देखिए 4 एक 5 होगा पॉजिटिव, 149 निगेटिव, 149 में से 5 घटा देंगे तो -144 144 निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव संख्या बड़ी है। अब 3 से सबको काट दिया जाए, सब अगर कट जाते हैं तो काट देना चाहिए, तो 1 टाइम हो गया ये, या 3 दूना 6 2 हो गया, या 3 चौके 12 3 बटे 24 48 हो गया। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बार बार होता है, जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचना ही पहुंचना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए बढ़िया से। अब 48 का हम फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 48 और घटाने 2 आना चाहिए, तो 6 और 8 होगा, 6 बटे 48 होता है, 8 में से 6 गया 2 और 6 बटे 48, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसके आगे आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कैसे करना है, ये आएगा एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर लाइन खींच दिया जाएगा, लिखेंगे वेन, ये अच्छा लाइन की रैपिंग है, इसको आप करेंगे। आप लोग ऐसे ना छोड़ दीजिएगा जैसे मैं 6 लाइन गैप कर दिया हूँ, परीक्षा में ऐसा करने नंबर नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कर लेंगे क्योंकि कर चुके हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस 8 होगा वेन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6। तो अब चूंकि बात आ गई है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, तो ये अमान्य हो गया, लिखेंगे एक्स का यह मान, जो यह मान आया है अमान्य है, क्योंकि रीजन दे दीजिए क्यों अमान्य है, क्योंकि ऋण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है, ऋण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है, आप लिख देंगे। चलिए ऋण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। अब आइए x बराबर 6 हमारी वैल्यू हुई, तो हमको एक नहीं बताना, हमको तो 3 तो बताना है, तो तीनों हमको निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या क्या हो गया x, इसकी वैल्यू आ गई 6 एक आंसर। फिर लिखेंगे द्वितीय प्राकृत संख्या, द्वितीय प्राकृत संख्या क्या है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का मतलब 6 प्लस 1, वही क्रम से लिख देना है 6 7 8 आएगा। फिर तृतीय प्राकृतिक संख्या, फिर x प्लस 2 यानी 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो हमारा आंसर आएगा 6, 7, 8, ये हमारा आंसर मिलेगा। चेक कर लिया जाए कि वास्तव में हमारा उत्तर सही है गलत है, तीनों का वर्ग करके जोड़िए, देखिए 149 आ रहा नहीं आ रहा, तो 6 का वर्ग जोड़िए 7 के वर्ग और 8 का वर्ग, तीनों जोड़ेंगे तो 36, फिर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो 9 6 15 4 19 तो 1 हो गया, फिर 4 4 8 और 6 14, 149 आ गया, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। तो हम ईश्वर की जाँच भी कर लेते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही है कि हम करके खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, कहीं कोई गलती है तो फिर से हम लोग जाँच कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है तथा हर दोनों में, फिर यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, अंश में भी 1 जोड़ना है, हर में भी 1 जोड़ना है, तब मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भी भिन्न का सवाल आता है तो हमारा ये काम हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद सवाल पर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भिन्न x बटा y अंश और हर से बनता है, तो यह मान लिया गया, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः मूल भिन्न हमने बना लिया, कैसे बनाया अंश बटा हर से, x बटा y से। अब सवाल को पढ़ना शुरू करेंगे प्रथम शर्तानुसार, हमेशा 2 शर्त होती है, प्रथम शर्तानुसार आइए सवाल क्या कह रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार हमारा सवाल कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, इस स्टेटमेंट को ध्यान दें, तो अंश उसके हर से 2 कम है, तो इसको लिख ही दिया जाए, भिन्न का अंश उसके हर से, क्योंकि लिखने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा,
उस तरह सब कंफ्यूजन होता है, स्टेटमेंट को उतार देने पर सब कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो भिन्न का अंश उसके हर से दो कम है। चलिए अब दो कम है तो इसको अब स्टेटमेंट में अगर बात किया जाए तो अंश, अब देखिए ये चीज़ मैं जो है लिखा हूँ मुझे यहाँ लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं बताया हूँ कि है को हम लोग इक्वल साइन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अंश आपका है एक्स, जैसा कि यहाँ मैं लिखा हूँ सब, अब इसके स्थान पर मैं एक्स लिखूँगा क्योंकि अंश को हमने एक्स माना है। तो एक्स बराबर हर को हमने माना है वाई, और दो कम कम माने होता है घटाना, अधिक आता तो फिर हम जोड़ देते। तो एक इक्वेशन हमको यहीं से बन गया, मिल गया हमको, एक समीकरण यहीं बन गया। हमेशा दो कंडीशन से दो समीकरण बनता है, तो एक हम यहीं से पा गए। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, यदि अंश, तो अभी द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए, यानी अंश में भी एक जोड़ दें तो x प्लस वन हो जाएगा, हर y अब इसमें भी एक जोड़ दें, जोड़ना है, यदि अंश तथा दोनों में जोड़ा जाए तब मूल तथा संशोधित भिन्न, तो ये जो बनेगा ये संशोधित भिन्न है, जो बन रहा भाई हम संशोधन कर रहे ना इसमें जोड़ घटा करके, तो यही है संशोधित भिन्न। संशोधित भिन्न हमको मिल गई, क्या मिला, एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन, क्योंकि हमने दोनों में एक जोड़ दिया तो ये संशोधित भिन्न आ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि मूल भिन्न धन संशोधित भिन्न, मूल भिन्न प्लस संशोधित, क्योंकि योगफल की बात कर रहा है तो प्लस करेंगे हम, क्यों प्लस करेंगे, यहाँ लिखा होगा देखिए, मूल तथा संशोधित भिन्न का योग, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है यहाँ से ले करके और यहाँ, चाहे तो लिख लें मूल भिन्न तथा तथा संशोधित भिन्न का योग कितना है, तो 19/15 है माने बराबर। चलिए तो मूल भिन्न हम ऊपर बना चुके हैं, कितना बना है x बटा y बना है, संशोधित भिन्न कितना आ गया, वही अंश में और हर में दोनों में तो जोड़ लिया गया, संशोधन हो गया। संशोधन का मतलब कुछ इसमें कमी बेसी कुछ सुधार दिया जाए। चलिए तो ये हमको मिल गया, ये दूसरा समीकरण भी मिल गया। अब इन दोनों की मदद से, इसकी और इसकी मदद से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो अब मदद दिया जाए इसका, x का मान मैं y माइनस टू इसी में भर दे रहा हूँ, फिर आगे मैं कैलकुलेट करूँगा जल्दी हो जाएगा उस तरह, अभी x में कैलकुलेट करेंगे फिर y में कैलकुलेट करेंगे टाइम लगेगा। मैं इसको तुरंत इक्वेशन टू मान लेता हूँ और समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रख लेता हूँ। तो अब लिख रहा हूँ समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y माइनस टू मैं लिखूँगा, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ y माइनस टू, तो देखिए यहाँ x है ऊपर लिख दे रहा हूँ y माइनस टू बटा y धन x के स्थान फिर y माइनस टू, यहाँ पर प्लस वन है तो प्लस वन लिखा जाएगा, नीचे y प्लस वन। अब इस सवाल को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ x y दोनों दिख रहा था, x भी है y भी है, यहाँ देखिए खाली y है, तो यहाँ दो पहलवान को पटकना कठिन है जबकि अब एक ही पहलवान है, तो इनको पटकना आसान है। मतलब जब भी हम लोग गणित लगाते हैं तो वेरिएबल को कम करते हैं, यहाँ दो वेरिएबल था सवाल कठिन होगा, यहाँ एक वेरिएबल है सवाल आसान होगा। तो ये वाई माइनस टू अपान वाई, आया माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा, नीचे वाई प्लस वन, एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। अब इसको तिरछी तिरछा गुणा तो करना ही पड़ेगा, बिना गुणा के ये काम चलने वाला नहीं है, तो मैं गुणा कर ले रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। इसके लिए जब भी अंश बटा हर के सवाल आते हैं, कई तो हर मिलता है, तो हर का लॉसो लेते हैं, तो हर का लॉसो अगर डिफरेंट डिफरेंट आइटम है तो गुणा करके लॉसो बन जाता है। देखिए
इसका 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 मैं लॉसो लूंगा तो गुड़े करके सब बन जाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग चीज है। तो लॉसो होगा 15 गुड़े वाई प्लस वन, यानी 15 वाई वाई प्लस वन, गुड़े का चीन हटा दिया जाए। तो अक्षरों का लॉसो ऐसे ही लेते हैं कि अक्षर अगर है डिफरेंट डिफरेंट तो सब गुड़ा करके लॉसो बना लेते हैं। तो हम कहेंगे कि हर के लॉसो, हर का लॉसो, और यही लिख भी देता हूँ क्या लॉसो, 15 y y + 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। इससे फायदा क्या होता है कि सवाल लाइन में चेंज हो जाता है, एक भिन्न खत्म हो जाएगा दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो यहाँ देखिए किससे गुणा होगा, 15 से y + 1 से, तो y कट के 15 y + 1 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 15 y + 1, तीन आइटम है, एक आइटम गायब हो जाएगा ये वाई, क्योंकि वाई नीचे वाई ऊपर, अब वाई माइनस टू तो ऑलरेडी है ही है, तो वाई माइनस टू को लिखना है, लिखना है, यहाँ का काम हो गया। फिर प्लस का साइन मैं लिख रहा हूँ, प्लस साइन यहाँ कौन कटेगा, नीचे वाई प्लस वन है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, 15 y और ये वाई माइनस वन बचेगा, वाई माइनस वन, वाई प्लस वन कट गया। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ कौन कटेगा, 15 साफ कटेंगे, कौन कौन बचेंगे 19 के साथ, क्या क्या बचेगा, वाई और वाई प्लस वन। तो इससे एक लाइन में हमारा सवाल, उस पर हम लोग पीछे पीछे गुणा करते हैं, एक बार फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा कई बार करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि हर का लॉसो ले लें तो हर का लॉसो कैसे निकलेगा, जो नीचे चीज है आपस में गुणा कर देते हैं वो लॉसो बन जाता है, उसी से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं लॉसो से। तो सवाल एक लाइन में ही लाइन में चेंज हो गया, भिन्न का काम खत्म हो गया, सवाल में आसानी हो जाती है। चलिए अब 15 यहाँ से, यहाँ से मैं 15 कामा ले रहा हूँ, तो यहाँ से वाई प्लस वन वाई माइनस टू गुणा भी करता चल रहा हूँ, वाई में वाई का गुणा, वाई स्क्वायर वाई का माइनस टू में माइनस टू वाई, वन का वाई में वाई, वन का माइनस टू में माइनस टू गुणा हो गया। और यहाँ भी देखिए 15 में कामा ले लिया हूँ तो खाली वाई वाई माइनस वन बचे, गुणा कर दे रहा हूँ वाई का वाई में, वाई स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि वाई का माइनस वन माइनस वाई, इधर का काम हो गया, इधर 19 है उसका भी अंदर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फिर हम लोग नीचे चलते हैं। अब गुणा कर दिया जाए, लेकिन अभी इन दोनों को कैलकुलेट कर, अभी कैलकुलेट कर लिया जाए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, 15 को भी बाहर लाने दे रहे हैं, अंदर कैलकुलेट कर, देखिए वाई स्क्वायर 2y² हो गया, ठीक है 2y², उसके बाद ये दोनों मिला करके एक प्लस एक माइनस है, आए यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस में जुट के माइनस 3 होगा, आए एक प्लस वाई है, तो माइनस 3 में से प्लस 1 घट गया, यानी माइनस 2y मिलेगा। अब सिर्फ ऋण 2 बचा है, तो ऋण 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब उधर चलते हैं, इधर तो गुणा कर ले रहा हूँ, 19 का वाई स्क्वायर में 19 y², 19 का वाई में 19 y। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, फिर इसका इसमें गुणा कर लिया जाए तो 30 y² और इसका इसमें हो गया तो 30 y, फिर इसका इसमें हुआ 30 गुणा हो गया, इसको भी इधर कर ले रहा हूँ तो माइनस, ये बाएं आ गया, अभी बाएं आएगा, सब उधर 0 कर दिया जाए क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उधर 0 हो गया। फिर इसकी और इसकी वैल्यू मिला करके 11 y² होगा, 30 में से 19 घट गया 11 y², फिर 30 में से 19 और घटा, फिर नहीं ये जुटेगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये -49 हो जाएगा, ये और ये मिला के -30 है, तो -30 है = 0 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भूल गया, यही हम लोग हमेशा पहुँचते हैं, कोई भी सवाल हो तो यहाँ हमको पहुँचना ही पहुँचना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे, वाई की 2 वैल्यू आएगी, तो सॉल्व कैसे होता है, सबसे पहले इसका इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड 11 का 30 का पहले गुणा करते हैं, सबसे अंतिम संख्या सबसे पहली संख्या 11 और 30, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 2 × 6 × 5 = 30, 11 का खंड होता नहीं है। अब दो कम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे कि देखिए यहाँ निगेटिव साइन है, तो निगेटिव करने पर कितना आ जाए, बीच वाली संख्या 49 आ जाए, 49 आना चाहिए। तो अब इस 55 और 6, देखिए 11 और 55 यहाँ लिख दिया जाए और 2 × 3 = 6 यहाँ लिख दिया जाए, 55 में से 6 घटा दें 49 आएगा,
तो यहाँ लिख दिया जाएगा 55-6, जो वहाँ सेटिंग करते हैं वही लिख देते हैं 49 के स्थान में, बाकी सबको जो जैसा है वैसा उतारते चलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं यही सवाल को ब्रेक करता हूँ, आगे आपका काम है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला इक्वेशन था x = i-2, क्योंकि जो वंश है वो हद से 2 कम है, ये हमने बना दिया। दूसरा ये संशोधित बनाए हैं, दूसरा कंडीशन के आधार पर जोड़ा गया है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।